शिशु की शुरुआत करते हैं, जहां पर हमें दिखा रहा है इधर काजुया शिशु के बिल्कुल में देख रहा होता है, और इधर हमें दिखा जाए इधर काजुया सोच रहा होता है वो जो मेरा गिफ्ट दिया था वो गायब हो चुका है। और जब ये हमें दिखा जाए इधर शिशु बाहर आ जाते हैं उसी समय पर, और इधर ये देख कर काजुया शॉक्ड हो जाता है, और इधर वो डायरेक्ट उठ जाता है वहां से जहाँ से वो देख रहा था। और जब हमें दिखा जाए इधर काजुया उसे गुड मॉर्निंग कहता है, और इधर शिशु भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन इधर उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था कि वो उससे नाराज है। और ये देख कर काजुया सोचने लगता है कि मैंने उसे गलत गिफ्ट दे दिया, कोई देता होगा बर्थडे में अचार गिफ्ट में जिसकी वजह से ऐसा होगा। ऐसे भी तुम भी सोच सकते हो अचार गिफ्ट दिया जाए तो उस आदमी का कैसा लगेगा जो कि ये गिफ्ट उसे मिलेगा तब कैसा लगेगा। ये बात अलग है कि वो अचार पसंद करता है। और डब्बी में निकाल जाए इधर वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं, और इधर शिशु भी उसे थैंक्स कहते हैं जो कि उसे बर्थडे में उसे गिफ्ट दिया था, और जो बोले रहते हैं वो अचार अच्छे ही थे। और ये बात सुनकर शिशु यानी काजुया को बहुत ही रात भरी सांस मिलती है, और इधर मेरे ख्याल से काजुया बोल रहा होता है वो कि वेटनेस डे पे उसे रैंड करेगा, लेकिन इधर शिशु बोल रही थी कि वो वेटनेस डे में फ्री नहीं है। और ये बात सुनकर काजुया बोल रहा होता है कि वो उसे बर्थडे का कुछ देना चाहता था पार्टी की तरह है, लेकिन इधर वो फ्री नहीं है तो कोई बात नहीं हम लोग नेक्स्ट टाइम कर लेंगे जब मैं फ्री रहूंगा, लेकिन वेटनेस डे के अलावा मुझे कभी भी टाइम नहीं मिलता, हर दिन मुझे काम करना पड़ता है। और इधर मेडिकल से और इधर मेडिकल से काजुया का सीन यानी नेक्स्ट सीन में मेडिकल से काजुया का स्कूल का सीन, जहाँ पर काजुया के दोस्त उसे पूछ रहे थे कि शिशु के साथ काजुया ने अभी तक क्या होगा ना, उधर भी मेडिकल से काजुया बोल रहता है हाँ उसने क्या है। और ये बात सुनकर उसका जो दोस्त था वो बोलने लगता है तुम्हारी इतना लक है, मैं तो बैड लक है जिसकी वजह से मैं अब मरने वाला हूँ। और ये बात सुनकर काजुया उसे रुकाने की कोशिश कर रहा होता है, और इधर उसका दोस्त ये बोलने लगता है यानी कुड़ी भी बोलने लगता है हाँ वो कर सकता है। और तभी हमें दिखा जाता है इधर वो कुछ बातें करने लगते हैं एक साथ ही कहीं पर बियर खाने का, और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग एक ऐसा ही प्लान करते हैं। और इधर हमें दिखा जाए इधर काजुया जाने लगता है रात को, और इधर हमें दिखा जाए इधर वो लोग एक साथ जा रहे होते हैं, और इधर काजुया को पता चलता है कि वो लोग यानी जहाँ पर जा रहे हैं बियर खाने के लिए वहाँ पर लड़कियाँ भी है। और इधर उसका दोस्त बोल रहे होते हैं तुम एक लड़की भी रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम किसी को पसंद कर लेते हो वहाँ से। और ये बात सुनकर काजुया सोचने लगता है मैं शिशु को धोखा नहीं दे सकता, मैं सिर्फ शिशु को ही पसंद करता हूँ। और तभी हमें दिखा जाए काजुया और शिशु यानी कि काजुया शिशु के बारे में सोचकर जा रहा होता है, और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो बियर खाने वाले थे, और एक लड़की बाहर अगर बोलने लगती है यानी उन लोगों को बुलाने लगती है, और जब वो लोग अंदर चले जाते हैं काजुया कुछ देख कर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर होती है शिशु, और इधर शिशु भी उसे देख कर थोड़ी शॉक्ड होती है। और तभी हमें दिखा जाए सारे लोग पूछने लगते हैं क्या तुम दोनों ही दोनों को जानते हो, तभी हमें दिखा जाए इधर काजुया बोलने लगता है नहीं मैं यहाँ पे सब लोगों को जानता हूँ, मैं जब बीच में गया था सभी एक साथ ही थे। और ये बात सुनकर सारे लोग शॉक्ड होते हैं, और जो बोलने लगते हैं तुम्हारे नॉलेज तो बहुत ही अच्छा है यानी तुम्हारी मेमोरीज बहुत ही अच्छी है जिसकी वजह से तुम्हें ये सारा कुछ बातें याद है। और इधर वो लोग एक साथ ही बातें करने लगते हैं, और इधर वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि कौन बियर खाएगा कौन नहीं खाएगा, तभी हमें दिखा जाए इधर एक लड़की बोल रही होती है उसकी दोस्त का कुछ दिन पहले 20 ईयर्स हुआ है यानी वो लीगल है बियर खाने के लिए। और इधर ये बात सुनकर यानी कि जो ये बोली थी कि वो इसी वीक में उसका बर्थडे था, और इधर उसे पता चलता है यानी उन सारे लोगों को पता चलता है उस लड़का का नाम भी शिशु है। और इधर ये बात सुनकर काजुया का जो दोस्त था वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, और जो बोलने लगता है कोई ये जाना पहचाना सा लग रहा है। और जब ये भी दिखा जाए इधर सारे लोग ही अपना अपना ऑर्डर देने लगती है, और इधर शिशु तो एक टी खा रही होती है, तभी हमें दिखा जाए एक लड़की उठकर यानी देर के नशे में वो शिशु का चश्मा हटा देती है, और इधर सारे लोग उसे देखने लगते हैं, और इधर सारे लोगों का आगे ही शिशु का पोल खुल गया, कितने दिन वो छुपा सकती है लेकिन ऐसा नहीं है उस लोगों का पोल नहीं खुला, सारे लोग नशे की हालत में थे इसी वजह से सारे लोग अपने अपने कैरेक्टर्स जो कि वो लोग पसंद करते थे वो बोलने लगते हैं। और इधर पूरी जो था यानी कि काजुया का जो दोस्त था वो बोलने लगता है कि वो अब जॉनसिस बनने वाला है, यानी कि तुम लोग तो पता होगा है कि वो लोग ऐसे ही है उसके दोस्त भी ऐसे है उसका गॉड है जॉनसिस ऐसा वो बोलने लगता है। और तभी हमें दिखा जाए इधर एक साथ ही सब लोग एक गेम के बारे में बातें करने लगते हैं जिसमें जो हारेगा वो बियर खाएगा, और इधर हमें दिखा जाए इधर शिशु एक बार हार जाती है और जब बियर खाने लगती है, और ये देख कर सोचने लगता है वो बियर पी रहे वो कैसा ऐसा सोच सकता है, और जब वो पूरा ही उसे देखने लगता है। और तभी हमें दिखा जाए इधर काजुया सोचने लगता है कि वो शिशु को इतने कस नहीं दे सकता इसी वजह से हमेशा वो ही बियर खाने लगता है यानी वो जानबूझ कर हारता है और इधर वो ही बियर पीने लगता है, और सारा गेम में वो हार जाता है। और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एकदम ही
नशे के हाल में होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुछ बियर खाया था और डमी अमेरिका है इधर काजिया नशे के हाल में जा रहा होता है और इधर सीजर पीछे से उसे देखने लगती है। तभी अमेरिका से काजिया सोच रहा है अपने मन ही मन कि मैंने सीजर को मदद करके अच्छा ही किया क्योंकि वो हमेशा मैंने सपोर्ट दी है। और इधर वो याद करने लगता है जहाँ पर सीजर ने उसके खिलाफ बोला था मामी को और इधर इसी वजह से वो हमेशा एक सीजर को पसंद करता है। और इधर अमेरिका से एक जगह पर काजिया बैठ जाता है और इधर वो बोल रहा होता है कि वो अब नहीं चल सकता और तभी अमेरिका से उसके पीछे से कोई आकर उसके सर को खींचता है और इधर वो सीजर होती है और तभी अमेरिका से सीजर उसे काजिया के घर तक ले आती है। और तभी अमेरिका से इधर काजिया को ढूंढना ढूंढना दिख रहा होता है और इधर काजिया बोल जाते हैं वो ठीक है और जब वो बोल जाता है सीजर को कि आपसे वो अब ठीक है। और इधर अमेरिका से इधर काजिया अपने लॉकर खोलने लगता है यानी कि जो की से खोलने लगता है अपने रूम का दरवाजा लेकिन इधर खोल ही नहीं पा रहा होता जिसकी वजह से सिजरु उसे साबित छीन लेती है। और जब वो खोल देती है और टीवी अभी दिखा जाए इधर वो बोलने लगती है उसने उसका पास ही वो चाबी रखी है और टीवी वो बोलने लगती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल लेना। तभी हमें दिखा जाए काजिया रोने लगता है वो सोचने लगता है ये लड़की मेरे साथ हमेशा एक कायर रहती है जिसको फिर से आना पड़ा मैं इतना ड्रिंक किया जिसकी वजह से उसे फिर से यहाँ पर आने वाला यानी उसके अपार्टमेंट के रूम के अंदर आना पड़ा। ये एक रोमकॉम की तरह ही है यानी रोमकॉम जेनर के एनिमी की तरह ही है ऐसा वो सोचने लगता है। और डब्ल्यू अमेरिका से इधर काजिया को बहुत सारे कुछ उल्टियाँ आने लगती है जिसकी वजह से वो टॉयलेट में जाता है और उल्टियाँ करने लगता है और इधर सीजर उसे देखने के लिए आती है और वो बोलने लगती है हालत तो बहुत खराब लग रहा है। और ये बात सुनकर काजिया बोलने लगता है तुम अब जा सकती हो मैं क्योंकि ठीक हुआ। और डब्ल्यू अमेरिका से इधर सीजर बोलने लगती है मैं तुम्हें ऐसे हालत में रुका कर नहीं जा सकती। और जब मैंने दिखा जाए काजिया बोलने लगता है उसमें मैं बॉडी ठीक हूँ और जब वो मनी मन सोच रहा होता है मैं फिर से उसके लिए और जब काजिया सोच रहा होता है मैं फिर से उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर रहा हूँ। और जब मैंने दिखा जाए इधर सीजर बोलने लगता है तुमने मेरे लिए ही इतना सारा कुछ ड्रिंक किया और इधर तुम ही मुझे जाने के लिए बोल रहे हो मैं इतना ड्रिंक करने की जरूरत नहीं थी। और जब वो बोलने लगती है वो भी बॉडी शौक थी कि जब सारे लोगों के आगे उसका चश्मा हटाया गया सारे लोग ही कुछ भी समझ नहीं पाए क्योंकि उन लोग के नशे में थे इसी वजह से सारे लोग उसे समझ नहीं पाए। तभी अमेरिका से इधर काजिया बोलने लगता है तुमने मेरा बहुत कुछ मदद किया लेकिन हम लोग इतने भी क्लोज नहीं है जिसकी वजह से तुम मेरा इतना सारा कुछ मदद करते हो। लेकिन तभी अमेरिका से सीजर बोलने लगती है तुमने भी मेरा बहुत ज्यादा कुछ मदद किया इसी वजह से मैं भी करना चाहती थी तो अब मुझे जाना चाहिए। और ये बोलने लगती है तुम याद रखना कि अगर तुम इस नशे को हटाने की कोशिश करो तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। और टीवी अमेरिका से इधर काजिया बोलने लगता है हाँ मैंने भी ऐसा ही सोचा। और टीवी वो बोलने लगता है मैं हमेशा के लिए यानी हमेशा हमेशा मिजुआरा को प्रॉब्लम खड़ी कर देता हूँ तो अगर मैं मर भी जाता हूँ या फिर मैं अपने आप को मरता हूँ तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो वो बोल रहा होता है अगर मैं इसी नशे को लास्ट टाइम भी एक बार देख लो तब मैं अपने आप को भी मारने के लिए रेडी हूँ। और जो काजिया अपने आप को यानी कि अपने आप मन ही मन सोच रहा होता है कि वो बॉडी बुखार है यानी उसका बॉडी बुखार है ऑब्वियसली ऐसा होना था क्योंकि वो बॉडी नशे में था। डब्ल्यू अमेरिका से काजिया के बीच से मिजुआरा आ जाती है और इधर वो यानी काजिया के पीठ में कुछ हाथों से कर रही होती है। और इधर अमेरिका से काजिया बोलने लगता है तुम्हें इतना वरी होने की यानी कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है मिजुआरा मैं ठीक हूँ। और डब्ल्यू अमेरिका से इधर वो उल्टिया फिर से करने लगता है। और डब्ल्यू अमेरिका से इधर सीजरो उसे चुप रहने को बोल लेती है और इधर काजिया रोते रोते ही उल्टिया करने लगता है। और डब्ल्यू अमेरिका से थोड़ी देर उल्टिया करने के बाद काजिया उठता है और डब्ल्यू अमेरिका से इधर वो सीजरो के ऊपर ही गिर जाता है और सीजर बोलने लगती है तुम अगर साइड नहीं होगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। और डब्ल्यू अमेरिका से इधर वो देखती है काजिया के फेस में जब वो सो रहा था और इधर सीजर पूरा सिर मार चुकी थी और इधर वो वही बात याद कर रही थी जब काजिया ने बोला था कि वो अगर लास्ट टाइम भी उसे देख पाए यानी इसी ने उसे को देख पाए तो वो अपने आप को भी मार सकता है। और डब्ल्यू अमेरिका से इधर सीजर बोलने लगता है सारा कुछ खराब हो गया आज का दिन अब मुझे ऐसे कैसे टाइम तक रुकना पड़ेगा क्योंकि वो यानी काजिया उसके ऊपर पड़ चुका था और इधर वो सो चुका था। तो गाइस यही पर ये एपिसोड एंड होता है और इधर लास्ट में हमें दिखाया जाता है तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे लास्ट में जो प्रीव्यू निकलते आता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा वहाँ पर हमें दिखाया जाता है काजिया के जो कैफे था यानी जहाँ पर लोग आकर रुक सकते हैं एक साथ ही गाना गा सकते हैं कैरोके बोल सकते हो वहाँ पर मामी आती है और इधर शायद से वो एक रूम रिजर्व किया था और इधर काजिया भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और वो सो रहा था मामी ने जो सिजु के साथ उस रूम पे किया था। और इधर हमें दिखा जाए इधर ये सारा कुछ देखकर रुका बड़ी गुस्सा होती है काजिया और मामी को देखकर और इधर लास्ट में आता है टाइटल जहाँ पर एक्स और गर्लफ्रेंड का बारे में लिखा हुआ था और इधर तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड
तो तुम्हें इधर पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, बड़ी औसम बातें होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बातें करते हैं कि तुम लोग कब तक इस चैनल को 50 में यानी 50 के तक पहुंचा सकते हो, तो एक कमेंट कर देना। और आशा करूंगा कि तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो आया है तो बाय एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।